सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इन तमाम कामों के लिए परेशान होते हैं। छोटे छोटे काम है जो कि हमें जो है हमारे फायदे वाले राउटर में थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी होते हैं, काफी आसान है। तो आज की सीडियो में आप लोगों को यही बताऊंगा, कुछ नए फिल्टर के आवाज बताऊंगा, किसी का भी वाईफाई आप किस तरह से बंद कर सकते हैं और वाईफाई सेटिंग कैसे करनी है। अगर आपका राउटर जो है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तार लगाने के बावजूद, जो हमारी लैन केबल होती है वो लगाने के बावजूद भी आपका जो राउटर है वो लैपटॉप या कंप्यूटर में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो उसकी क्या वजह होती है, वो आपने किस तरह से कनेक्ट करना है, आज की सीडियो में ये बात करेंगे। तो उसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टाइप सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो में जाने। सबसे पहले जो आप लोगों ने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल ऐप मोबाइल में यही काम करते हैं तो सेम तरीके का आए, बस सिर्फ उसमें जो स्क्रीन का थोड़ा सा फर्क होगा। लाजमी सी बात, मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी है, या कंप्यूटर या लैपटॉप पर जाएंगे तो बिल्कुल सेम तरीके का आ रहे तीनों चीजों का। आपने जो है अपने मोबाइल लैपटॉप कंप्यूटर जो भी इसमें कोई सभी ब्राउजर जो है ओपन कर लेना, मैंने यहाँ पे गूगल थ्रू ओपन करा, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने वाईफाई से कनेक्ट हुआ, मैं वाईफाई से कनेक्ट हुआ हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वाईफाई अपने कनेक्ट करा हुआ है। और यहाँ पे अपने ब्राउजर खोल के जो है यहाँ पे अपने अपने आप ब्राउजर खोल के जो है यहाँ पे सर्च करना है जो आपके राउटर की आईपी है। अमूमन जो हवावे के राउटर है जितने भी मॉडल है तमाम की आईपी यही होती है, ये यहाँ पे लिखी आती है 192.168.100.100.1, ठीक है। ये आईपी आप मुझे स्क्रीन पे लिखी नजर भी आएगी, ये आईपी जो है आप लोगों ने यहाँ से नोट कर लिया, यहाँ से एंटर कर देना है। तो जो भी आप एंटर करेंगे आप लोगों जो हवावे का सर्वर को इंटरफेस ओपन हो, यहाँ पे बोल रहा है आपका अकाउंट अकाउंट लिखा है जिसको हम आम जबान में जो है यूजर नेम पासवर्ड बोलते हैं हमारे पैनल का, यहाँ पे अकाउंट था नीचे लिखा हुआ पासवर्ड। तो हवाले के जितने भी राउटर जो है अकाउंट के लिए या यूजर नेम के लिए जो भी है अकाउंट और पासवर्ड दोनों का सेम ही होता है, तो बहुत कम राउटर ऐसे होते हैं जिसका अगर आपके आईएसपी जिससे आपने इंटरनेट लिया उसमें अगर चेंज करा तो वो अलग बात है, नहीं तो तमाम का तमाम का जो है अपना यूजर नेम और पासवर्ड बिल्कुल सेम होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर भी आ रहा है क्या यूजर नेम पासवर्ड है। यूजर नेम जो आता है अकाउंट जो है वहाँ पे टेलीकॉम एडमिन, ठीक है। इस तरह से जो आप लिखना है यहाँ पे टेलीकॉम एडमिन है, यहाँ पे लिखना अकाउंट में पासवर्ड में आपने लिखना है एडमिन टेलीकॉम, अकाउंट हमारा था टेलीकॉम एडमिन, पासवर्ड हमने लिखना है एडमिन टेलीकॉम, यानी वो इसका पूरा लिखना है। सर से यहाँ पे जो मैंने पासवर्ड लिख लिया और यहाँ पे आपने लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है इस तरह से कुछ हवाले का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, हवाले के राउटर का इंटरफेस ओपन होगा। मेरा जो मॉडल नंबर है हवाले का ये है HG8145C, तो इंटरफेस आप लोगों का जरूर कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन जो सेटिंग है उसकी तमाम भी तमाम यही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यू लेन पे बाहर डब्ल्यू लेन पे यहाँ पे आपको टैप नजर आ रहा है, डब्ल्यू लेन पे आपने क्लिक करें, डब्ल्यू लेन पे आने के बाद जो है यहाँ पे आप लोगों के आपके वाईफाई की सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप लोग जो है अपने वाईफाई का नाम अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ से वाईफाई की सिक्योरिटी आ रही है आपकी कौन सी सिक्योरिटी लगानी, डब्ल्यू पी ए लगानी, डब्ल्यू पी ए टू या डब्ल्यू पी ए स्लैश डब्ल्यू पी ए टू लगानी, वहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी, बस जो है बेटर सिक्योरिटी यही डब्ल्यू पी ए स्लैश डब्ल्यू पी ए टू प्री शेल्ड की, इसके सिक्योरिटी का आपने सिलेक्ट करना, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डब्ल्यू पी ए प्री शेल्ड की, यहाँ पे आपको अपने जो है वाईफाई का पासवर्ड देना है, कोई भी आप यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैंने पासवर्ड दिया, और यहाँ से आपने कर देना है अप्लाई। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे अपना नाम लिखने के बाद वाईफाई का और पासवर्ड लिखेंगे तो आपकी सेटिंग जो है यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस तरीके से जो है आप अपने वाईफाई का नाम और पासवर्ड जो है चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वाईफाई जो है किसी के पास भी शो ना हो, ये लिखा हुआ है इनेबल SSID, यहाँ पे आपने इसको अनचेक कर देना है, लेकिन यहाँ पे जब आप अपने वाईफाई का नाम रखेंगे जो आपका पासवर्ड होगा वो आपने याद रखना है। अगर आप किसी के मोबाइल में जैसे एड नेटवर्क करके जो वाईफाई कनेक्ट करवाना चाहते हैं, वाईफाई कनेक्ट करना चाहते हैं अपना, तो यहाँ पे आप ये SSID लेंगे और जो आपने यहाँ पे पासवर्ड लिखा हुआ है वो पासवर्ड आप अपने मोबाइल में जो है कनेक्ट होगा, लेकिन आपका वाईफाई जो इस तरह से किसी के भी मोबाइल में जो है शो नहीं होगा कि आपके पास वाईफाई लगा है आपके यहाँ से। और आप यहाँ पे इनेबल क्रेडिट लेके एनिमेंगे, इसको यहाँ पे चेक लगा लेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तब जो है आपका वाईफाई दूसरे के मोबाइल में लैपटॉप पे शो होगा, ठीक है। तो ये तो होगी सेटिंग हमारे वाईफाई की। अब दूसरी हम सेटिंग चलते हैं सिक्योरिटी में आ जाते हैं। सिक्योरिटी में आने के बाद अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूँ यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे अगर आप किसी का वाईफाई ब्लॉक करना चाहते हैं, ब्लॉक करना चाहते हैं,
जैसे अक्सर हमारे वाईफाई में हम देखते हैं कि कोई ऐसा मोबाइल या कोई ऐसा कंप्यूटर कनेक्ट है जिसको हमने पासवर्ड डाल के ही नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मोबाइल में कनेक्ट है या किसी भी तरह से आपके मोबाइल में कनेक्ट है, आप उसका वाईफाई जो बंद करना चाहते हैं अपने पैनल के जरिए। आप चाहते हैं कि मैं अपना पासवर्ड बिना चेंज करूँ वाईफाई में, ताकि तो आपके दूसरे, आप चाहते हैं कि मेरा कुछ बनने का वाईफाई भी बंद हो जाए मेरे ही पास से, जिस जो है आप जिसको आपने पासवर्ड नहीं डाल दिया फिर भी आपके वाईफाई में कनेक्ट है, तो उसके लिए जो है आपने सिक्योरिटी में आना, सिक्योरिटी में आने के बाद आपने जाना है डब्ल्यू लाइन मैक फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन में, ये 1 2 3 4 चौथे नंबर पे ऑप्शन है डब्ल्यू लाइन मैक फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर आपने आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है यहाँ पे वाईफाई बंद करा हुआ, तो आप लोगों के पास जो है यहाँ पे ऐसा कुछ भी शो नहीं है, यहाँ पे ये जो है डिलीट आ रहा है, मतलब यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है आपके पास। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है इनेबल डब्ल्यू लाइन मैक फिल्टर, यहाँ पे इस पे चेक लगाए गए, अगर नहीं लगा तो आप लोगों ने लगा लेना है नहीं। दूसरा मुझे ऑप्शन है फिल्टर मोड का, यहाँ से जो है आपने ब्लैक लिस्ट को सिलेक्ट करना है वाइट लिस्ट, इसका मतलब ये होता है ब्लैक लिस्ट अगर आप करेंगे तो आप जो यहाँ पे जो भी अपना मैक एड्रेस लिखेंगे वो वाईफाई जो बन जाए, अगर आप यहाँ से व्हाइट लिस्ट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जितने भी आपके जो है वो मैक एड्रेस डालेंगे वाईफाई जो आपने बंद करने वो जो तमाम तमाम वाईफाई खुल जाएंगे, तो आपने अगर वाईफाई ब्लॉक करने के सिलेक्ट यहाँ पे ब्लैक लिस्ट पे रहने देना, और उसके बाद आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप लोगों ने एस एस आई डी वन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा है सोर्स मैक एड्रेस, अब जिस मोबाइल का आपने वाईफाई बंद करना है यहाँ पे जो है उसका मैक एड्रेस लिखना है, मैक एड्रेस आप लोग निकालने के लिए जो है अपने स्टेटस में देख सकते हैं इसी वाईफाई के, इसी वाईफाई के राउटर में अगर आप लोग उस बंदे के मोबाइल का लैपटॉप का जो मैक एड्रेस मालूम है तो आप लोग यहाँ पे जो है टाइप कर सकते हैं मैक एड्रेस, आप लोग इसी वाईफाई के इसी वाईफाई राउटर के जो है पैनल में मिल जाएगा, जितने भी वाईफाई कनेक्ट होते हैं तमाम का जो है मैक एड्रेस यहाँ पे हमारा शो हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों ने मैक एड्रेस में मैक एड्रेस लिखने के बाद मैक एड्रेस याद रहेगा आप लोगों ने लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे एक मैक एड्रेस लिख के आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से लिखना है, पहले आपने कोई भी बटन नहीं, उसके बाद आपने यहाँ पे कॉलम लगाना है, डैश नहीं लगानी, कॉलम लगाने से दो मुख्य जो है वो लगाने, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा हुआ भी है, आपने मैक एड्रेस टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपकी वैल्यू है वो आपने फिर दोबारा कॉलर लगाना है, फिर वैल्यू लिखनी है, फिर कॉलर और फिर वैल्यू और फिर कॉलर, फिर जो आपकी वैल्यू वो आपने लगानी है। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी मैक एड्रेस डाल के यहाँ पे वाईफाई बंद कर सकते हैं, ये वो बात हमारी, अगर हम किसी का वाईफाई बंद करना चाहते हैं तो आप जो है वाईफाई किसी का बंद खुद से किस तरह कर सकते हैं, आपने वाईफाई का पासवर्ड भी चेंज ना करना और आपका जो काम भी हो जाए। ठीक है, तो ये हो गई बात ब्लैक लिस्ट की। अब बात करते हैं कि अगर आपका जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, या फिर मैं यहाँ पे वाईफाई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, मेरी इस सूरत में कि आप जो है अपने राउटर से एक वायर लगा के आप अपने कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं ताकि मेरे कंप्यूटर में जो है इंटरनेट चले, लेकिन आप जब वो तार जो है अपने कंप्यूटर में लगा दें तो आपका नेट नहीं चलता फायदा वाले राउटर से, तो उसके लिए जो है आप लोग एक छोटी सेटिंग करने की जरूरत होती है। आप लोगों ने यहाँ पे आना है लैन में, तो लैन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को लैन 1 लैन 2 लैन 3 और लैन 4 का ऑप्शन दिखेंगे, तो आप लोग जब इसमें आएंगे अगर तो आपके पास ये अनचेक है इस तरह से, अगर जब भी राउटर जब कॉन्फिगर होता है तो जिस तरह कंपनी का इंटरनेट वाले से वो आपको ये करके देता है, पर बशर्त वो भूल जाता है जिस तरीके से नहीं करके देता है आपको, तो ये काम जो है आपने किसी भी मोबाइल में वाईफाई कनेक्ट करके फिर करने को लाजम, तो आपने मोबाइल अपने वायर के जरिए जो आपका इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ कंप्यूटर में तो आपने जो है वाईफाई को शुरू करना है किसी मोबाइल से। लैन में आने के बाद आपके पास इस तरह होगा, आपने जो है लैन वन पे चेक करना है, लैन टू पे भी चेक करना है, लैन थ्री पे ये करने के बाद आपने यहाँ से कर देना है अप्लाई, तो जैसे ही आपने अप्लाई करेंगे उसके बाद जो है आप इजिली अपने राउटर में से एक वायर लगा के अपने कंप्यूटर में लगाएंगे तो आपका नेट जो है 100% चलने लगेगा। तो इस तरह से जो है आप अपने वाईफाई की और किसी का भी जो है वाईफाई बंद करना चाहते हैं या आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा उसकी क्या वजह होती वो तमाम भी तमाम जो मैंने आपको समझाई, बहुत बेसिक सी सेटिंग्स हैं जो कि काफी परेशान होते हैं इसकी वजह से उनको समझ नहीं आती हवा के फाइबर के राउटर में किस तरह से करना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो जो है पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है हवावे के राउटर से या किसी भी राउटर से तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जरूर ऐड करूंगा।